हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखिए रोज़ कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और इसमें अंदर मधुमक्खी जब घुसी रहती है ना, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है वो। इस तरह से इसमें रहती है कि इधर उधर भागती रहती है, ऐसा लगता है ना, बहुत तेज़ तेज़ इसमें अंदर चलती रहती है, मतलब इसके रस को वो चूसती रहती है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है उस टाइम पर। तो यहाँ पर देखिए गुलदाउदी खिल गए हैं अच्छे से, काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग है। ये देखिए ये येलो प्लांट गुलदाउदी का, और ये मैंने ना कहीं से मुझे ना मतलब बुके आया था घर में, तो बस उसी में जो कटिंग आई थी उससे मैंने ये लगा दिया था। और ये प्लांट देखिए मेरे पास काफ़ी अच्छे से, और काफ़ी सारा हो गया है, मतलब मैंने कटिंग काफ़ी सारी इससे लगा ली है। तो आज मैं बात करूँगी विंटर प्लांट ऐसे जो हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं इस टाइम पे भी, तो कौन कौन से प्लांट हैं जिनको हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरा हाइब्रिड हिबिस्कस है, तो इसमें थोड़ी थोड़ी कलियाँ, मतलब काफ़ी सारी कलियाँ लगी हुई होने को, तो लेकिन फ्लावर खिलने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि अब धूप की कमी हो गई है ना, तो इसलिए इसमें फ्लावर बहुत टाइम ले रहा है खिलने में। और इन जो कलियाँ हैं इनको काफ़ी टाइम हो गया है, तो इनको इस तरह से ये मतलब 8-10 दिन हो गए कलियों को बने, इस तरह से निकली हुई हैं, लेकिन खिलने में टाइम ले रहा है धूप की वजह से। तो यहाँ पे देखिए ये नेस्टेशियम, सबसे पहला प्लांट ही नेस्टेशियम ही है जो हम कटिंग से लगा सकते हैं, तो बहुत ईजिली ये लग जाता है और बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। और ये प्लांट जो है ना एडिबल भी होता है, हम इसकी पत्तियों को भी खा सकते हैं, हम इसके फ्लावर्स को भी खा सकते हैं। तो ये जो पत्तियाँ इसके सैलेड वगैरह में यूज़ होती हैं, जो डेकोरेशन करते हैं हम सलाद वगैरह में, तो उसमें भी यूज़ होती हैं, इसको खा भी सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और बहुत हार्डी होता है, और जो एक बार अपने गार्डन में ले आते हैं तो बहुत सारे प्लांट आपके अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, आपको बार बार लगाने की जरूरत भी नहीं है। और ये जो भी प्लांट दिख रहे हैं ना आपको, तो ये सब मेरे जो है ना अपने आप से ही ग्रो हो गए, इनके लास्ट ईयर इनके सीड्स जो है इसमें गिर गए तो वो अपने आप ग्रो हो गए। तो यहाँ पे देखिए ये प्लांट जो है ना सीड से ही ग्रो हुआ था, लेकिन जो है ये टूट गया था, और टूटने के बाद ये एक दिन बाहर भी पड़ा हुआ था, जैसे बंदरों ने मेरे निकाल दिया था, तो ये बिल्कुल तोड़ दिया था, नीचे का हिस्सा इसमें मिट्टी में ही रह गया। उसके बाद देखिए मैंने इसको लगा दिया यहाँ पे, और ये देखिए कितने अच्छे से ये चल गया है, और इसको 5 से 6 दिन में, 5 से 6 दिन में इसकी कटिंग चल जाती है बहुत ईजिली। और ये बेलनुमा प्लांट होता है, तो हर नोड एरिया से आप इसको लगा भी सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से नोड एरिया जो होते हैं पत्तियों के पास, वहीं से आप लगाएं इसको। तो सबसे पहला प्लांट यही है, और दूसरा प्लांट है यहाँ पे देखिए गुलदाउदी, तो गुलदाउदी को भी आप जो है बहुत ईजिली लगा सकते हैं कटिंग से। और एक बार अपने गार्डन में ले आओ तो एक प्लांट से ढेरों प्लांट आप बना सकते हैं, तो इस टाइम पर इसको आप लगा सकते हैं। हालाँकि फ्लावरिंग थोड़ी लेट होगी, लेकिन जो है प्लांट आपका ग्रो हो जाएगा बहुत अच्छे से। अगर आपको कहीं भी जाते हो आप, वहाँ पर कटिंग मिलती है आपको, तो वहाँ से आप कटिंग ला सकते हैं और इसको जो है लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें भी काफ़ी सारे कलर हैं गुलदाउदी के मेरे पास होने को, तो ये देखिए ये वाइट है, और इधर देखिए येलो जो मैंने दिखाया था अभी आपको, और ये वाइट अलग है यहाँ पे देखिए ये, और इधर ये अलग है ये वाला अभी जो मैंने दिखाया था आपको, और ये जो खिलेगा ना ये अलग है बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर होता है। ये थोड़ा थोड़ा खिलने लगा है अब, इसकी पत्तियाँ देखिए कैसे नुकीली नुकीली हैं, और इनकी जो है ना राउंड शेप लिए हुए हैं थोड़ा, तो ये जो कॉटन की तरह लगता है बहुत ही सुंदर। तो दूसरा प्लांट है ये देखिए पिटोनिया, पिटोनिया में भी काफ़ी सारे कलर आते हैं और बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। ये हैंगिंग में भी हम लगा सकते हैं और इसको नॉर्मल पॉट में भी हम लगा सकते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे कलर आते हैं, इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी कटिंग लगाई हुई है, दो कलर इसमें लगाए हैं मैंने, एक एक कटिंग लगाई है, और इनको 4 से 5 दिन हो गए हैं, तो इनकी देखिए कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो भी हो गई है, तो इजली ये लग जाता है। और एक प्लांट आप ले लीजिए, तो एक प्लांट से आप जो है ना ढेरों प्लांट बना सकते हैं, तो आपको ज़्यादा प्लांट लेने की जरूरत नहीं है। इन जो प्लांट हैं ये मैंने कटिंग से लगाए, इनमें अभी फ्लावरिंग थोड़ा लेट होगी, जैसे कि फरवरी में ये फ्लावरिंग पर आ जाएंगे अच्छे से, बहुत ही अच्छे से अच्छी ग्रोथ हो जाएगी इनकी। तो अब जब थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाएगी, तो थोड़ा इनकी ग्रोथ रुक जाती है ठंड में, जैसे जनवरी की ठंड है उसमें। तो यहाँ पे देखिए आराधा जी, आराधा गार्डन टिप्स, मैंने उनका भी चैनल है आराधा गार्डन टिप्स के नाम से, उनसे मैंने प्लांट एक्सचेंज किए थे कुछ सेकुलेंट प्लांट। तो ये देखिए एक प्लांट ये भी दिया उन्होंने मुझे, तो ये भी चल गया अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए अगला प्लांट ये कलेंजुका, कलेंड कोई इसको बोलते हैं, इसमें हाइब्रिड भी काफ़ी सारी वैरायटी आती है, मतलब ये देसी प्लांट है, तो देसी और हाइब्रिड को दोनों को इस टाइम पे हम जो है कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये जो है देसी प्लांट है, और देसी प्लांट की देखिए कितने अच्छे से कटिंग मैंने लगाई थी कुछ दिन पहले ही, और ये जो फ्लावरिंग पे भी आ गया, बहुत ही सुंदर लगता है इसका फ्लावर। एक बार खिलने के बाद काफ़ी टाइम तक रहता है, कम से कम एक मंथ तक तो रहता ही है इसका फ्लावर, और बहुत ही सुंदर लगता है, गुच्छों में इसमें फ्लावरिंग होती है। तो इसको भी जो है ना कटिंग से भी लगा सकते हैं, देखिए इसको एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं हम, तो ये बहुत ईजिली लग जाता है, 4 से 5 दिन में इसकी कटिंग लग जाती है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी विंटर प्लांट है, विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, वैसे तो ये परमानेंट है लेकिन विंटर में इसमें फ्लावरिंग होती है। तो यहाँ पे देखिए कोलियस, कोलियस वैसे तो फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, लेकिन जो है गार्डन में कलर ऐड करने के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, इसको भी जो है आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं विंटर में। तो कोलियस कटिंग कभी भी लग जाती है, कभी भी आप लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, ये भी काफ़ी सारे कलर इसमें आते हैं, तो इसको भी जो है ना आप कटिंग से इजिली ग्रो कर सकते हैं, तो इसकी भी कटिंग आप लगा लीजिए, बहुत ही जल्दी चल जाती है, 3 से 4 दिन में इसकी कटिंग लग जाती है। तो ये जो है फूलों की कमी दूर करता है, अगर आपके पास फूल नहीं है, फूल वाले प्लांट नहीं है, तो इसको भी लगा सकते हैं, ये फूलों से कम नहीं है प्लांट, क्योंकि बहुत सारे कलर आते हैं कोलियस में। तो यहाँ पे देखिए रोज़ प्लांट, रोज़ प्लांट को भी आप जो है विंटर में इजीली ग्रो कर सकते हैं कटिंग से, तो मैं तो हमेशा ही विंटर में ही लगाती हूँ, इस कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है, बहुत सारी कटिंग से मैंने प्लांट भी बना लिए बहुत सारे, तो इसको भी जो है ना विंटर में आप कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत ही जल्दी लग जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कटिंग नहीं लगती, लेकिन आप विंटर में लगा के देखिए आपकी कटिंग बहुत ईजिली ग्रो हो जाएंगी। तो विंटर इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, क्योंकि फ्लावरिंग का सीज़न इसका विंटर ही होता है, तो इसकी कटिंग विंटर में लगाएंगे तो बहुत अच्छे से इसकी कटिंग चल जाती है। तो काफ़ी सारी वैरायटी आती है रोज़ प्लांट में भी।
तो रोज़ प्लांट की कोई भी कटिंग आप लगा सकते हैं, हाइब्रिड भी लगा सकते हैं, देसी भी आप लगा सकते हैं। तो ये मेरा देसी प्लांट है, देसी की मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है, काफ़ी सारी कटिंग से मैंने प्लांट बना लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक मेरा हाइब्रिड प्लांट था उसकी कटिंग मैंने लगाई थी, और ये देखिए ये चल गई है बहुत अच्छे से, ये कटिंग ही मैंने लगाई इस तरह से ग्रो बैग में। तो ये देखिए 2 से 3 कटिंग मेरी चल गई, इसमें मैंने 7 से 8 कटिंग लगाई थी लेकिन 3 कटिंग बहुत अच्छे से चल गई है मेरी। तो यहाँ पे देखिए ये कैक्टस है, पेंसिल कैक्टस, और इसमें भी जो है ना फ्लावरिंग होती है और बहुत ही अच्छा प्लांट, बहुत हार्डी है, कम केयर में चल जाता है, कम पानी में चल जाता है। तो इसको भी जो है आप इस तरह से बेबी प्लांट से भी इसको आप लगा सकते हैं, तो बहुत सारे प्लांट इसमें बन जाते हैं एक बार अगर आप अपने गार्डन में ले आओगे तो। इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर खिलते हैं, तो इसका फरवरी का टाइम होता है फ्लावरिंग का। तो ये देखिए इस तरह से ये छोटी छोटी ये जो बेबी निकलते हैं ना, ये फ्लावर ही समझ लीजिए आप, थोड़े दिन पता चल जाएगा ये फ्लावर या कुछ और है। तो इसका फ्लावरिंग टाइम विंटर में ही होता है, तो विंटर में फ्लावरिंग करता है, इसको भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है रूबी नेकलेस, तो ये सकुलेंट प्लांट है और इसमें भी छोटे छोटे फूल खिलते हैं, देखिए कितनी सारी कलियाँ हैं इसमें, और ये जैसे ही इन पर तेज़ धूप पड़ेगी ये खिलने लग जाएंगे। तो ये जैसे ही फूल खिलते हैं इसमें बहुत सुंदर लगते हैं, तो इसको भी आप कटिंग से इजीली लगा सकते हैं इस टाइम पे। ये विंटर में ही फ्लावरिंग करता है, वैसे ये परमानेंट होता है, बारिश में थोड़ा सा बचाना होता है, बाकी इसकी कोई केयर नहीं होती, बहुत कम केयर में चल जाते हैं सकुलेंट प्लांट। तो इसको भी आप लगा सकते हैं कटिंग से। तो अगला प्लांट यहाँ पे देखिए डहेलिया, डहेलिया ये सिंगल पैटर्न का है, तो इस टाइम पे डबल पैटर्न सिंगल पैटर्न बहुत सारी वैरायटी आती है इसमें, बहुत सारे कलर आते हैं, तो इसको भी जो है कटिंग से हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो डहेलिया तो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है जो है कटिंग से ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग होने स्टार्ट हो गई, और कलियाँ तो देखिए काफ़ी सारी बनी हुई है इस तरह से, देखिए चारों ही तरफ, ये देखिए यहाँ पे, और एक ही प्लांट है ये, देखिए यहाँ पे एक ही प्लांट से जो है ना कितनी सारी कलियाँ इसमें बनी हुई हैं आप देख सकते हैं। तो डहेलिया प्लांट को भी जो है आप लगा सकते हैं कटिंग से ईजिली। तो यहाँ पे देखिए गेंदा, तो गेंदे को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, तो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है गेंदा तो, और सीड से भी इजीली ग्रो हो जाता है। आपके घर में जो आप पूजा वगैरह करते हैं, माला वगैरह आती है, उनको सुखा लीजिए और उनके सीड्स को आप मिट्टी में डाल दीजिए, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, बहुत ही अच्छे से, और बहुत सारे प्लांट आपको फ्री में ही मिल जाएंगे, क्योंकि माला में जो है काफ़ी सारे कलर आते हैं इसमें भी, लाइट डार्क और भी जाफरी वगैरह होता है उसमें, उसको आप जो है मिट्टी में डाल दीजिए, आपके प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, कटिंग से भी इजीली इसको लगा सकते हैं। तो बहुत सारे प्लांट होते हैं जो विंटर के, उनको हम जो है कटिंग से लगा सकते हैं। कैलेंडुला है, तो ये तो सीड से ग्रो हो जाते हैं, इनको कटिंग से भी लगा सकते हैं, लेकिन सीड से आप ग्रो करोगे तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट होते हैं। तो बस दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय दोस्तों।